और आप सबको भी नमस्ते। अभी इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है मेरे पास, फेरे ले लेते पहले। चलिए वर कन्या का गठबंधन कीजिए। जी जाओ। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। वर कन्या की मांग में सिंदूर भरें। भाभी, जिस तरह से उन लोगों ने आपकी बेइज्जती की ना, मुझे इतना बुरा लग रहा था ना, मैं क्या बताऊं। पता नहीं आप इतना सब क्यों सहन करती हैं, आप किस मिट्टी की बनी हुई हैं। रणबीर सुहानी आते होंगे कलश तो। भाभी, आपके साथ जो हुआ वो हुआ, पर जैसे उन्होंने रणवीर को नीचा दिखाया ना, आपको गुस्सा नहीं आया? हाँ, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो पता नहीं मैं क्या कर देती। वाकई में इसमें बहुत ताकत होती है ममता। देखो ना ममता, कैसे इस घर में मेरा वक्त और मेरी जगह दोनों ही कैसे बदल गए। मैंने तुमसे कहा था ना ममता, मैं वापस आऊंगी अपने बेटे और अपना हक लेने। सो हियर आई एम। एनीवेज, फिलहाल ना मुझे इस घर के बड़े बेटे और बड़ी बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। दोनों अपने घर आ रहे हैं। ओके, सो आई विल सी यू अराउंड। Thank you.
कितनी कोशिश की तूने, लेकिन देख तू कुछ नहीं कर पाया। अब इस घर का बड़ा बेटा आ गया है, इस घर की हर चीज पर अपना पहला हक लेने। हक जायज रिश्तों को मिलता है, नाजायज रिश्तों को नहीं। और दोबारा अपना मुंह खोले तो अपनी औकात में रह के मुंह खोलना। ये तो लड़ाकू है, ऐसे लड़ते रहते हैं क्या? सुहानी बेटा, दाएं पांव से इस कलश को अंदर लुढ़काओ और फिर आलते वाली थाल में पांव रख के अपने शुभ कदम लेकर घर में प्रवेश करो बेटा। हनी बहू, अपने पैरों से कलश अंदर गिराओ और फिर कुमकुम की थाल में अपने लक्ष्मी पांव बनाते हुए अंदर आओ। तुम्हारा नाम सुहानी है ना? हाय, मैं हनी। सुनो ना, मुझे तुम्हारा वाला लोटा ना बहुत अच्छा लगा, मैं प्लीज उसे किक मार दूं। मेरा बहुत मन कर रहा है सच्ची, प्लीज 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 ना, मन कर रहा है। तुम्हें किसी को प्लीज प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस घर की बड़ी बहू हूं, तो इस कलश पर क्या? तुम्हारा पहला हक इस पूरे घर पर है, इस घर की हर चीज पर है, इसलिए प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कलश मैंने सुहानी के लिए रखा है। मैंने कितनी बार प्लीज बोला ना, कितनी बार बोलूं? मैं बड़ी हूं ना, प्लीज मुझे मुझे इस पे मारने दीजिए ना, प्लीज। आंटी, अब अच्छी आंटी हो ना, अब प्लीज मुझे मारने दो। देखो, अगर आपने मुझे इस पे किक नहीं मारने दी ना, तो मैं रो दूंगी। हाँ अनिल बेटा, दिल की बहुत मासूम है, छोटी छोटी बातें उसके दिल को लग जाती है, तो इस बार उसके मन की उसको करने देते हैं ना। कोई बात नहीं, करने दीजिए इसे पहले। सच्ची? ओके। लग भी जाती तो बड़ा मजा आता। आओ ना बहू, अंदर अंदर आओ।
यहाँ क्या कर रहा है? तुझे इस वक्त सुहानी के पास होना चाहिए ना, चल जा यहाँ से जा। एक्टिंग में बेस्ट मदर का अवार्ड आप ही जीतेंगी माँ। आपका बेटा आपकी आंखों में आपका दुख देख सकता है। कुछ भी बोल रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं है। तू जा ना यहाँ से रणबीर। माँ मंडप में ना, मैं आपके और सुहानी की वजह से चुप रहा, पर अब और नहीं। जो काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था वो मैं अब करूंगा। विक्रांत ओबरॉय की हरकतें और आपकी आंखों से बहे हर एक आंसू का हिसाब होगा अभी और इसी वक्त। चलिए मेरे साथ। रुक जा। तुझे पता है परिवार को तोड़ते कैसे हैं? उसकी जड़ें कमजोर करके, लोगों को आपस में लड़वा के, और यही वो करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तू अपने पापा से लड़े। फायदा किसका होगा रणवीर? उनका। और ये मैं नहीं होने देना चाहती। मुझे सिर्फ एक मिनट लगेगा मां इन लोगों को उठाकर इस घर से बाहर फेंकने में। मुझे पता है रणवीर, तेरे रहते इस घर पे मेरा अधिकार कभी कम नहीं हो सकता। बेटा विक्रांत जी इस वक्त हमसे नाराज हैं, तेरी और सुहानी की शादी को लेकर। लेकिन देखना, आस्ते आस्ते सब ठीक हो जाएगा। वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। और माँ, परवर कुछ नहीं। अभी तुझे सुहानी के पास होना चाहिए, समझ में आया तुझे? देख रणबीर, जिस तरह से तू मेरी देखभाल करता है ना, अब तुझे सुहानी की भी देखभाल करनी होगी। प्लीज बेटा, जा तू यहाँ से, जा। देख मैं ठीक हूँ, ये देख, एकदम ठीक हूँ। जा। Not done, ma. Really not done. मेरा तो फुल हेल्प मोड ऑन था। फिर भाई आते और बोलते रूहानी को लाल फूल पसंद है, तो सिर्फ लाल फूल लगेंगे। और वो लाइट हटाओ, इतने तेज लाइट से सुहानी की आंखें दुखती है, हटाओ इसे। और कैंडल्स, कैंडल्स कहाँ है? अभी मैं आपको बता रही हूँ। क्या बता रही, क्या बोल रही थी तू? यही कि भाभी कितनी अच्छी दिख रही है ना। ओके, गुड नाइट भाई, गुड नाइट भाभी। माँ कैसी है? ऐसी जैसे दुनिया की हर माँ होती अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पर। मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी माँ भी कमाल होती हैं, चाहे जितनी दुख तकलीफ हो कभी शेयर नहीं करेंगे। माँओं के लिए ना बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, और हमारी माँ बहुत स्ट्रांग है। पर उन्हें अकेले स्ट्रांग रहने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना उनके साथ। और वो मुझे तुम्हारा ध्यान रखने को कह रही। और मुझसे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा। मैंने आज तक सबका ध्यान रखा, लेकिन हम दोनों उनका ध्यान रखेंगे। और अब हम दो हो गए तो वो हमारी बात टालेंगे ही। एंड आई होप तुम भी मेरी कोई बात नहीं डालोगे। मैंने तुम्हारी कौन सी बात टाली? ये क्या? मेरे प्यारे से हस्बैंड के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। पर मैं तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लाया नहीं। कुछ नहीं लाया? कोई बात नहीं, मुझे तो मेरा गिफ्ट मिल गया। तुम, सिर्फ तुम। रणवीर एंड सुहानी, मेमोरीज,
हनी ये खाली है, जानती हूँ। मैंने सोचा कि रणवीर इतना अच्छा फोटोग्राफर है तो क्यों ना यादों का एक घर बनाया जाए जिसमें हमारी फैमिली की सारी यादें होंगी, खुशियां होंगी, ताकि हम पन्ना पलट कर कभी भी उन यादों में वापस जा सके। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, और मेरी लाइफ और आने वाली लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया, लेकिन तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो और मैं ला कर दूंगा। जो चाहे मांग लो, अपनी बात से पलटोगे तो नहीं? प्रॉमिस करता हूँ नहीं टालूंगा। पक्का वाला प्रॉमिस करो? पक्का वाला प्रॉमिस। तो ये वाला गिफ्ट क्यों रहा, लेकिन फिलहाल मुझे एक चीज चाहिए। क्या? इस प्यारे से चेहरे पे एक अच्छी वाली बड़ी सी स्माइल प्लीज।